तो आज में हम बात करने वाले टर्बो वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन एक फ्री वीपीएन एप्लीकेशन है, तो कैसे आपको इसे यूज़ करना है और क्या क्या आपको इसके अंदर मतलब फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जो मतलब फ्री होते हैं, और पेड फीचर्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो तरीके ऑप्शन मिले, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करें आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको कुछ अपग्रेड प्रीमियम वगैरह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आपसे आप नो एड्स, फास्टर कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड लोकेशन, लिंक अप टू 5 डिवाइसेस, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको टैप टू कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने से आपका कनेक्शन ओपन है। यहाँ पर कुछ 7 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलता है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मोनोवेल्स के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, उसे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर आपको कुछ फ्री वीपीएन, आपको ये जो है ये फ्री सर्वर्स है। यहाँ पर आपको आपके सामने जितने भी सर्वर्स हैं ये सारे के सारे फ्री सर्वर्स हैं। और यहाँ पर जो स्पेशल सर्वर्स हैं वो मतलब एक तरीके से वीआईपी सर्वर्स है। आप जब भी वीआईपी परचेस करोगे तो आपके सामने कुछ मतलब तो आप इन्हें भी यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर का मतलब जो एक तरीके से नेटफ्लिक्स या फिर जो भी एनपीसी या जीबीओ स्काई गो आईटीवी स्पोर्ट्स वगैरह पगलाइट या फिर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अगर आपको इसे यूज़ करना होगा तो आप ये मतलब इसे यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी इजीली आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। तो बात करते हैं कैसे इसे डाउनलोड करना है। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आपको एड्स भी देखने के लिए मिल जाती है अगर आप मतलब फ्री में यूज़ कर दे दो तो आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं कैसे इसे डाउनलोड करना है, तो लिंक मैंने पिन सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेकंड चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर अनलॉक लिंक के ऊपर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर मतलब ओपन हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।